आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा क्वेश्चन है, इफ द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बिकम्स डबल, व्हाट इज द रेशियो ऑफ इनर्शियल मास टू ग्रेविटेशनल मास ऑफ द मून। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि इनर्शियल मास होता क्या है। सो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दैट इज एफ इक्वल्स टू एम इनर्शिया इंटू जी। जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब उसकी पोजीशन से, जो उसकी रेस्ट पोजीशन से जो अपन मास निकालते हैं वो होता है अपना इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एंड ग्रेविटेशनल मास इज फाउंड बाय न्यूटन्स लॉ। और जो अपन न्यूटन लॉ से मास निकालते हैं वो अपना होता है ग्रेविटेशनल मास, यानी एफ इक्वल टू जी एम ग्रेविटेशनल स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर, यानी एम जी इज इक्वल्स टू एफ आर स्क्वायर अपॉन जी एम। एंड एम आई इज इक्वल्स टू, यहां से mi निकाल देंगे अपन, f डिवाइड बाय g। एंड वी नो दैट g इज इक्वल्स टू जी एम बाय आर स्क्वायर, यानी एम आई अपना हो जाएगा f अपॉन जी एम बाय आर स्क्वायर, जो कि इक्वल है अपने एम जी से। इस इक्वेशन से अपन को ये मिल गया कि एम आई इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन जी एम, और एफ आर स्क्वायर अपॉन जी एम एम जी के इक्वल होता है, यानी एम आई बाय एम जी इज इक्वल टू वन, दैट इज कॉन्स्टेंट। सो इफ वी डबल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट देन Nothing will change, ratio will be equal to one। यानी मैं ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट को या किसी भी क्वांटिटी को डबल, ट्रिपल या फिर किसी भी रेशियो में बढ़ाता हूं तो मेरा ये हमेशा कॉन्स्टेंट ही रहेगा, और वो कॉन्स्टेंट ही वैल्यू होगी हमेशा वन। थैंक यू गाइज। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।